प्रकृति की गोद में बसा एक सुंदर गांव था बेलापुर। बेलापुर गांव के सभी निवासी आपस में मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में एक अनाथ लड़की रहती थी जिसका नाम था सुहाना। सुहाना लोगों के छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। बदले में लोग उसे जो पैसे देते उससे ही सुहाना का गुजारा चलता था। ईंधन के लिए वो जंगल से लकड़ियां लाया करती थी। वो जब भी लकड़ी लेने जंगल जाती तो थकने पर हमेशा एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाया करती थी। उस पेड़ में पता नहीं ऐसा क्या आकर्षण था कि सुहाना को उसकी छाया में बैठकर बहुत शांति मिलती थी। वो जब भी उस पेड़ के नीचे बैठती तो अपना दुख, अपना अकेलापन, अपनी परेशानियां उस पेड़ के साथ बांटा करती थी। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता था कि वो महज एक पेड़ नहीं, किसी अपने का साया है। हमेशा की तरह आज भी सुहाना लकड़ियों के लिए जंगल गई थी। थक जाने पर वो पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वो क्या देखती है कि एक लकड़हारा लकड़ी काटने की मशीन लेकर उस पेड़ के पास आता है। दरअसल वो उस पेड़ को काटना चाहता था। सुहाना उदास हो जाती है। वो हर हाल में उस पेड़ को बचाना चाहती थी। तब उसे एक उपाय सूझता है। वो लकड़हारे से कहती है, सुनो सुनो, रुक जाओ, इसे मत काटो, ये भूतिया पेड़ है। जो भी इसको काटने का प्रयास करता है वो मर जाता है। क्या तुम भी मरना चाहते हो? लकड़हारा डर जाता है और डरकर वहां से चले जाता है। सुहाना पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है, शुक्रिया बेटी। सुहाना चौंक जाती है। अरे अरे, कौन बोला? कौन है यहाँ? कौन है? पेड़ कहता है, बेटी मैं जादुई पेड़ हूं। जादुई पेड़? तो तुम अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकते? पेड़ कहता है, सुहाना बेटी, मेरी शक्तियां सिर्फ रात में अपना काम करती हैं, लेकिन आज तुमने मुझे जीवन दान दिया है। मैं तुम्हारे दुखों को अच्छी तरह जानता हूं, पर अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। वो कैसे? तुम रात को मेरे पास आना, मैं तुम्हें जादुई सिलाई मशीन दूंगा जो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनाएगी। तुम उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा सकती हो। फिर तुम्हें लोगों के घरों में काम नहीं करना पड़ेगा। सुहाना कहती है, लेकिन मैं रात में कैसे आऊंगी? मुझे डर लगेगा। मैं अपनी शक्ति से एक रोशनी भेजूंगा, तुम उसके साथ आ जाना और जादुई सिलाई मशीन ले जाना। सुहाना फिर चली जाती है। वो अपने घर पर सोचती रहती है, क्या वाकई में जादुई पेड़ होते हैं? क्या सच में आज मुझे कोई रोशनी लेने के लिए आएगी? क्या सच में मुझे जादुई सिलाई मशीन मिलेगी? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? बस ऐसा सोचते सोचते रात हो जाती है। अंधेरा होने पर सुहाना के पास एक रोशनी आती है और फिर सुहाना उस रोशनी के साथ जंगल चली जाती है। पेड़ के पास पहुंचकर वो क्या देखती है कि पेड़ के नीचे एक सिलाई मशीन रखी है। पेड़ कहता है, सुहाना बेटी, इस मशीन को ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ रात में अपना काम करती है। बेटी, तुम्हारे दिन अब बदलने वाले हैं। लेकिन बिटिया, मुझे याद रखना, भूलना मत। सुहाना जादुई सिलाई मशीन लेकर अपने घर आ जाती है। और उस पर कपड़े सिलती है। अरे अरे, ये क्या? ओ, कितने सुंदर कपड़े! हाय, ये सिलाई मशीन तो कमाल की है, इतने सुंदर कपड़े! इस तरह सुहाना रोज रात को सुंदर सुंदर कपड़े सिलती, फिर उन्हें दिन में पास की दुकानों और बाजारों में बेच दिया करती। ऐसा करते करते बहुत दिन गुजर गए। अब सुहाना के दिन
सच में बदल गए थे। उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया था। उसका घर, उसका रहन सहन सब कुछ बदल गया था। वो अब बड़ी बिजनेसमैन बन गई थी। पर वो उस पेड़ को कभी नहीं भूली। वो हर वक्त उस पेड़ को याद करती और मन ही मन उसका धन्यवाद करती थी। सच है ना दोस्तों, हम प्रकृति को जितना देते हैं हमें लौटाती है। तो प्रकृति की रक्षा कीजिए, पेड़ पौधों की रक्षा कीजिए। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।